तो फिर आपको मतलब कब लगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए, आपने कब से अपनी तैयारी शुरू करी, कौन सी ईयर? एक तो ये था कि इतनी डिग्रियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये था कि अगर जॉब करनी है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही करनी है। फिर एक मतलब जो घर वाले भी हैं, जो बाहर वाले भी हैं, जो रिश्तेदार में भी यही कहते थे कि भाई इतना पढ़ लिया, अब जॉब मिल नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। हाँ, तो और एक ऐसा कि ये सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आज के टाइम में रेस्पेक्ट मिल जाती है, आप अपना चाहे प्राइवेट काम कुछ भी करते रहो, उसमें इतना नहीं होता उसमें इतना। तो फिर स्टडी से कंटिन्यूटी में जुड़ा ही हुआ था, और इसके जो ये पीजीटी के जो फॉर्म निकले थे शुरू में, ये 2019 में निकले थे ये, हालांकि ये हुई अब है ये 2024 में जाके पूरी। तो 2019 में जब से फॉर्म निकले थे तभी से थोड़ा बहुत स्टडी को साथ ही साथ में लेकर ही चल रहा था। तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली कि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है? आप और भी मतलब पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या ये आपका फर्स्ट ही एग्जाम था जहाँ पे आपने अप्लाई किया था? पहले किए थे, उनके भी की थी, कुछ और एग्जाम थे उनके लिए किया था ट्राई, लेकिन हुआ नहीं था। और लास्ट टाइम जब ये निकले जून 2023 में निकली थी वैकेंसी, तब से मैंने सारा काम जो वो छोड़ ही दिया था एक तरह से, और स्पेशल बिल्कुल लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और ये जो प्लेटफॉर्म है टीचिंग एग्जाम्स का, इसके साथ भी कंटिन्यूटी में जुड़ा हुआ था मैं, और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। यहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने बहुत साथ दिया, कुछ भी अगर मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं यहाँ फ़ोन करता था टीचर से, जो भी मुझे जानकारी लेनी होती थी वो मुझे यहाँ से अच्छी तरह से मिल तो जाती आप थी। यहाँ पर टीचिंग एग्जाम से यूट्यूब से कनेक्टेड थे? हाँ, यूट्यूब से कनेक्टेड था मैं यहाँ से, और काफ़ी हेल्प भी मिली मुझे यहाँ से, जैसे जो बुक्स वगैरह के बारे में जानना था, या जो पैटर्न वगैरह के बारे में, या कई बार माइंड में कई बार ऐसा हो जाता था कि नहीं होगा नहीं होगा, तो यहाँ के जो टीचर उन्होंने मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया था कि आप कंटिन्यूटी में आप करते रहो, अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल हो।